बड़ा सुंदर है, गो को तो हम सब लोग घुमाए देखाए, अब वृंदावन में हम घूमना चाह रहे हैं, तो मैया क्यों ना हम गया चलाने जाए। तो मैया ने मैया को हंसी आई कि 4 साल का छोरा गया चलाने जाएगा, नहीं माना, डांटती है मैया कि बेटा भी उम्र गया चलाने की नहीं है, समूह लटका करके बैठ जाते हैं भगवान। तो मैया ने प्यार से कहा बेटा आप छोटे हैं, आपका मन हो रहा है तो आप पहले छोटे छोटे बछड़ों को चलाना शुरू करो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल इनको चलाना शुरू करो, और भगवान प्रसन्न हो गए। लेकिन सब की मैया ने कि बेटा ज्यादा दूर जाना मत, आसपास के इलाके यहाँ आसपास ही घूम घुमाना, ये चलाना बछड़ों को। अब भगवान करे प्रसन्न हो गए, और अगले दिन भगवान ने तैयारी कर दी बछड़ों को, अपने ग्वाल बालों को बुला इकट्ठा करके और बछड़ों चलाने के लिए भगवान निकल पड़े। अब एक दिन की बात है कि भगवान बछड़े चला ही रहे थे, वापस लौट रहे थे चला करके, इतने में वकासुर वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन करके भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ा। भगवान ने तुरंत पहचान लिया, पकड़ा उसका पैर और यूं घुमा करके देव पटक मारा, वत्सासुर का उद्धार कर दिया। और कहते हैं एक दिन भगवान बछड़ों को यमुना तट पर ले गए और बछड़े चर ही रहे थे, भगवान यमुना जल पान करने के लिए उतरे थे, यमुना की तलहटी में गहराई में कहते हैं वकासुर बगुला बन करके बैठा हुआ था। जैसे ही भगवान जल पान कर रहे थे, बगुले ने तुरंत भगवान को पकड़ कर घटक गया। अब भगवान सब चीत पुकार मच गई, तो भगवान ने क्या किया, अपना शरीर बगुले के अंदर जो है अपने शरीर की गर्मी को बढ़ाना शुरू कर दिया, इतना गर्म कर दिया, इतना गर्म कर दिया अपना विग्रह कि इसको बचाना मुश्किल हो गया। मुख द्वार से बाहर निकाल दिया भगवान को। जैसे ही भगवान बाहर आए, पकड़ा भगवान ने बगुले का एक पैर से चोंच दबाई और एक हाथ से एक झटका मारा और बगलासुर का बगुले का उद्धार। बोले बगलासुर मर्दन भगवान की, इस प्रकार से कहते हैं भगवान ने इन राक्षसों का उद्धार किया। अब कहते हैं एक दिन की बात है, भगवान थोड़ा बड़े हो गए और घर के आंगना इधर थोड़ा सा आगे निकल गए, और वहां पर जाकर के ग्वाल वाला होते हैं, गया चराने जा रखे हैं, गया अपने चर रहे हैं, ग्वाल वाला मस्ती में खेल रहे हैं जंगलों में। हमें तो इस तरह से पता है, आप लोगों को पता होगा, जंगलों में खूब जो है घर से कले वो ले जा रखे हैं, आपस में खा रहे हैं, खूब वहां पर खेल रहे हैं। पिछले जब समय हुआ घर आने का, तब ढूंढते हैं किसी गाय कहाँ गई है, सबको इकट्ठा करो ले चलो घर की ओर। तो ऐसे गाय अपने चरने जा रखे थे, और भगवान ने ग्वाल कहा चलो आग में चूने के, ग्वाल बालों से आंख मिचौने खेल रहे हैं भगवान कि पहले तुम छुपो हम निकालेंगे, फिर हम छुपेंगे फिर तुम निकालो, वही खेल यहाँ भी चल रहा है। तो कहते हैं अगासुर को मौका मिल गया, ये आंख मिचौने खेल रहे हैं और अगासुर भगवान को मारने के ताक में था, तो अगासुर को अच्छा मौका मिल गया। अजगर बन करके विशाल काया अजगर बन करके मुंह खोल करके बैठ गया, और बच्चे आपस में ये खेले रहे थे कि ग्वालों ने कहा कन्हैया तू यहाँ पर रुक, हम जब छुप जाएं आवाज लगाएं हम छुप गए तब हमें ढूंढने आना। और बच्चे लोग इधर उधर छुपने के लिए निकल पड़े, देखा कि सामने एक विशाल गुफा है, तो बछड़ों ने कहा क्यों, बालकों ने कहा क्यों ना इस गुफा में छुपा जाए। तो जैसे उसमें गए कोमल कोमल था उसके जिह्वा, कह रहे यहाँ पर बड़ा कोमल कुंजे के ऊपर विशाल दांत, या गुफा में एक बालक कहते हैं एक ग्वाला कहते हैं या गुफा बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो तब तक दूसरा जवाब देते हैं कि भैया हमें मालूम पड़ता है कि यह विशाल गुफा, यहाँ पर कोई अंदर सिद्ध महापुरुष रहा करता होगा, अब बेचारा मर गया होगा तो इसलिए उसके शरीर की दुर्गंध आ रही है। पर घबराओ नहीं, या ने कहा मुझे बड़ा डर लग रहा है, या गुफा बड़ी अंधेरी है मुझे बड़ा डर लग रहा है। तब तक दूसरा कहते हैं घबराता काय को है, हमारा करना ही है ना हमारे साथ। और भगवान कहते हैं अनन्या सिंधयंतो माम ये जना परियुपासते, आप विश्वास करके तो देखो,
समस्या का हल ना कर दो तो कहना, गीता में भगवान कहते हैं भरोसा करके तो देखो। तो बाल बालक को भगवान पे पूरा भरोसा था, तो डर भी रहे हैं घबरा भी रहे हैं। कहते हैं ग्वाल बालों ने जो अपने कलेवा आदि जो घर से ले गए थे खाने के लिए, वो उसके अजगर के दांतों में ही लटका दिया, विशाल का अजगर दांतों में भार लटका दिया और गुफे में जाकर के छुप गए। जैसे कन्हैया ने देखा दूर से, कन्हैया चिल्लाया रुको रुको रुको, न किसी सुनाया तो दिया नहीं, सब घुसते चले गए अंदर। और जैसे ही कन्हैया कहते हैं अजगर के मुखमंडल में पहुंचा, अजगर ने पट से मुंह बंद कर दिया और भगवान को घटक गया, ग्वाल बाला बच्चों के साथ भगवान को घटक गया। अब भगवान ने क्या किया कि उसके श्वास छिद्र में भगवान जाकर के बैठ गए और अवरुद्ध कर दिया, श्वास न ले पाया तो उसका ब्रह्मरंध्र फट गया। भगवान वहां से बाहर निकले और सबरे ग्वालों का भाई आप निकलो, सब ग्वाल बाल वहां से बाहर निकले। भगवान ने अजगर अघासुर का भगवान ने उद्धार किया और सभी ग्वाल बालों को वहां से बाहर निकाल करके, जैसे ही कहते ग्वाल बाल बाहर निकले हैं तो सबको सबने कन्हैया से, कन्हैया हमें तो भैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, अब घर से ले जा रखा खाने के लिए, किसी ने यहाँ टांग रखा किसी ने वहां टांग रखा, सबने निकाला और मस्ती में भगवान के साथ में भोजन पान करने लगे जंगल में। अब भगवान बच्चे तो आपस में होते हैं, तूने क्या लाए हैं, तूने क्या लाए हैं, तूने क्या लाए हैं, इसका उसको मिल रहा है, उसका इसको दे रहे हैं, अदला बदली चल रही है, अचार पहले उसने खा लिया, बालक ने उसके हाथ छीन के भगवान स्वयं मुंह में भी रख रहे हैं, अपने आप भी खा रहे हैं, जूठा मीठा सब चल रहा है। जब ये लीला ब्रह्मा जी ने देखी तो ब्रह्मा जी को तो ब्रह्मा जी चकरा गई, ये धराधाम पे ये कैसे भगवान है, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, भाई भगवान की पूजा पाठ पराए सभी कहते हैं, पंडित जी जरा 10 मिनट रुके, थोड़ा नहा के आती हूँ, थोड़ा हाथ पांव धुल के आती हूँ, भगवान की पूजा करने के लिए आप एक विधान है कि स्वच्छ हो जाओ, हाथ पांव धुल लो, मन पवित्र कर लो, 3 आचमन ले लो, उसके बाद भगवान की पूजा बैठते हैं, भोजन करने के यही नियम है, भोजन करने आप बैठ रहे हैं कि यहाँ वहां से आगे हाथ पांव धुल लो बढ़िया सा, उसके बाद भोजन पान के एक आचार होता है, एक व्यवहार होता है। लेकिन भगवान देखते हैं ना आचरण है, ना आचार है, ना विचार है, ना कुछ समझ रहा है, ये अपने आप जहाँ से जो चल पड़ा वो आचार ने उसने खा लिया, उसे लेकर के इसने खा लिया, लटक के जा रहे हैं, ये कैसे भगवान हो सकते हैं, भला ये कोई भगवान है। ब्रह्म जी को भ्रम हो गया, कहते हैं ब्रह्म जी ने सोचा क्यों ना परीक्षा ली जाए, तो ब्रह्म जी ने क्या किया, जितने भी बछड़े थे भगवान जी आपने लीला भोजन पान कर रहे हैं और जितने भी बछड़े गाय आदि बछड़े थे भगवान ब्रह्म जी ने सबको उठा करके ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। और किधर ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे तो अचानक एक ने बोला भैया कन्हैया खाता रहेगा, बच्चों को ध्यान भी देगा, भैया बहुत देर से दिख नहीं रही है। तो भगवान ने कहा सखो आप तो मित्रों आप तो आराम से भोजन करो, मैं ढूंढने जाता हूँ। भगवान जैसे ही बच्चों को ढूंढने गए, गायों को ढूंढने गए, उतने में ब्रह्मा जी आए और इधर से ग्वाल बालों को बिठा लिया। अब भगवान देखते उधर बच्चे भी गए, इधर से ग्वाला भी गए, सुनसान जंगल में केवल भगवान, भगवान यहाँ भटकते हैं वहां भटकते हैं, यहाँ आवाज लगाते हैं वहां, अरे मधुमंगल कहाँ है, कहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं। भगवान ने कहा गजब हो गया, अभी तो ग्वाल बाल यहाँ थे, ये भी गए बछड़े भी गए, ये हुआ क्या। भगवान ने जैसे ही ध्यान लगाया तुरंत समझ गए ये सब ब्रह्मा जी करामात है, ब्रह्मा जी करा धराए हैं। तो भगवान ने क्या किया, अपना ही रूप कह रहे बिल्कुल जितने ग्वाला थे उतने बन गए, जितने बछड़े थे उतने बन गए। यावत वत्त पवत्त काल्प कवपुर यावत करांग्रियादिकं यावत यस्ति विसान वेणु दलसे यावत विभूषांबरं यावत चील गुणा पिताकृति वयो यावत विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो भवो। यावत वत्त पवत्त काल्प कवपुर जितने बछड़े थे जितने गैया थी सब भगवान बन गए, जो ग्वाला थे सब बन गए, इतना ही नहीं जैसे कपड़े पहने थे ऐसे ही बन गए थे, जैसे उनका डंडे हाथ में था वही बन गए, उनका व्यवहार घर में जो व्यवहार जिसके साथ में जिनका बेटा जैसा व्यवहार अपनी माँ के साथ में करता था घर में, वो आचार विचार भगवान स्वयं बन गए, सब बन गए। और एक साल तक ये लीला चलती रही, भगवान स्वयं बनते हैं, स्वयं जंगल चरने जाते हैं, स्वयं घर शाम को घर आते हैं, दाऊ जी के साथ में एक साथ ये लीला हो रही है। धावली ने एक दिन देखा कि कन्हैया चक्कर क्या है, गैया जंगल तो जाती हैं
चरने का नाटक कर रही है, चर नहीं रही है। और हमें तो पिछला वो दिन याद है जब हमारे बछड़े उतर जाते थे तो उतर के ग्वाला लोग डंडा लेके आते थे, क्योंकि पास गैया थी, हमारे पास बछड़े थे, तो गैया बछड़े को बछड़े गए के पास जाएंगे तो दुग्ध पान करना शुरू कर देंगे, तो उधर के ग्वाला डांटते थे कि हम इधर मत लाया करो। आजकल हम देख रहे हैं कि बछड़े उधर भी जा रहे हैं तो ग्वाल वाला भी शांत बैठे हैं, गैया भी बिल्कुल शांति से रमा रही है, तो चक्कर क्या है? मतलब एक भगवान ने ऐसी माया पट्टी माया डाली कि एक साधक भगवान जी के भाई बड़े भाई दाऊ जी बलराम जी इनके कान में भी भनक नहीं पड़ी। एक साल बाद भगवान ने बताया कि दाऊ जी सब मैं ही हूँ, मुझे ही करना पड़ रहा है, गैया बछड़ा सब मैं हूँ। दाऊ जी ने कहा कैसे, आप क्यों बन रहे हैं सब कुछ? तब बताया कि ये करा माता तो ब्रह्म जी सब ले गए, क्या करें, बनना ही पड़ेगा। अब जाके एक साल बाद दाऊ जी को ये पता लगा। एक दिन कहते हैं ब्रह्म जी आए ब्रह्म लोक से, देखा कि ग्वाल वाला सब मैंने उठा कर ले गया, अब देखते भगवान इनके भगवान क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आके देखते हैं ब्रह्म जी वैसे ही ग्वाला वैसे ही बछड़ा सब कुछ, ऊपर नजर डालते हैं ब्रह्म लोक में जाते हैं वहां भी सब ऐसे ही, नीचे पुनः आते हैं यहाँ भी ऐसे हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं, फिर भागते हैं फिर आते हैं स्वयं ब्रह्म जी चक्रा गए, ब्रह्म जी अब समझ गए ये तो वास्तव में भगवान है। तो ऐसे है भगवान की लीला, चतुर्मुख ब्रह्म भी चक्कर में पड़ जाए तो हमारे पास तो एक ही सर है, चक्रा भी जाए बड़ी बात है, चतुर्मुख ब्रह्मा चक्कर में पड़ जाता है। तो अब कहते हैं ब्रह्म जी ने कहा ये तो मैंने अनर्थ कर दिया, भगवान की परीक्षा ले लिया, क्या करें। तो अब एक साल बाद भगवान ब्रह्म जी ने बछड़े ग्वाल वालों को ब्रह्म लोक से वापस ले आए और भगवान के सामने नतमस्तक हो गए, क्षम्यताम क्षम्यताम त्रहि माम प्रभु मेरे से गलती हो गई भूल हो गई। नो मेटते प्रभु पुसे तडिदंबराया भुंजा वतन स परिवेक्षर सन्मुखाया अवन्यस्त्रज कवल वेत्र विषाण वेणु लक्षात्रये मृदुपते पशुपांगजायः। हे नंदनंदन कण कण में अणु अणु में बसने वाले सब बनने वाले आपके चरणों में प्रणाम, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करें। हे प्रभु जो मेरे से अपराध हुआ है इस भांति क्षमा करें, जैसे उच्छीपणम गर्भ गतस्य पादयो किं कल्पते मातुरदोक्ष जागसे। जिस प्रकार से माँ के उदर में एक बेटा, माँ के उदर में बच्चा, माँ के पेट में बच्चा कभी इधर फुतकता है कभी उधर फुतकता है, कभी लात मारता है, लेकिन माँ सब सहन करती है और माँ बेटे को आंच नहीं आने देती है। ब्रह्म जी कहते हैं भगवान भगवान के सामने ब्रह्म जी ऐसे ही बन गए, प्रभु मुझे तो उसी बेटे के समान ऐसे ही क्षमा करना जो मेरे से अपराध बनाए, क्षम्यताम क्षम्यताम। भगवान ने कुछ प्रतिकूल उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं बोले, तो लास्ट में कहते हैं ब्रह्म जी ने अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंद गोप प्रजो कसा यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातन। अहो भाग्यम अहो भाग्यम ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना की कि कैसे भाग्य लेकर ये उत्पन्न हुए हैं, कैसे सौभाग्यशाली हैं ये लोग जो भगवान के साथ में खेल रहे हैं खा रहे हैं, उनके उनके भाग्य की सराहना करते हुए ब्रह्म जी चल पड़े, भगवान की तीन परिक्रमा लगाई। इति विष्टुत्य भूमानं त्रिप्रकम्य पादयो नत्वा विष्टं जगद्वातः स्वधामौ प्रत्यवागतः अपने धाम को निकल गए। अब कहते हैं एक साल बाद गोपी ग्वाला जब घर में पहुंचे तो जो अजगर अघासुर भगवान ने मारा था वो अब एक साल बाद आकर के गोप ग्वाला घर में बता रहे हैं माँ को कि भैया आज कन्हैया ने अजगर मारा, इतना बड़ो भारी अजगर मारा है, उनको पता ही नहीं है एक साल कब हो गया, बताए ना ब्रह्म जी का एक दिन चतुर्युगी 72 बार भेजा तब तो एक दिन होता है, तो ब्रह्म लोग कभी एक एक जब तक यहाँ पर एक घड़ी होती है तब तक वहां पर एक दिन हो जाता है, जब तक वहां पर एक दिन होता है तब तक वहां तो साल हो जाता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि जैसे ही ब्रह्म जी क्षण भर में ऊपर दे गए थे, ब्रह्म जी का क्षण भर भी धराधाम के लिए एक साल के समान हो गया। एक साल बाद ये सूचना माताओं को मिली, बोलो नंद के लाला की। अब कहते हैं भगवान ने ये लीला संपन्न की, अब भगवान ने मैया से पुनः जिद करना प्रारंभ कर दिया, मैया अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो हम गैया चराएंगे, बछड़ा चरा के अब थक गए हैं, अब हम गैया चराएंगे। अब मैया ने कहते हैं ज्यादा नहीं रोका है, तो मैया ने क्या किया, ब्राह्मण जन को बुला करके एक सुंदर
मुहूर्त निकाल दिया और मुहूर्त फिक्स हुआ है कार्तिक शुक्ल अष्टमी, उसको गोपाष्टमी भी कहते हैं। गोपाष्टमी के दिन से भगवान अब गैयों को चराने के लिए दूर दूर तालवन निधिवन आदि में जाने लगे। कहते हैं एक दिन की बात है, भगवान गोचारण करने के लिए तालवन की ओर निकले हुए थे तो ग्वालों ने देखा कि तालवन में बड़े बड़े सुंदर सुंदर फलदार वृक्षों के लदे पड़े हैं, हजारों वृक्ष पड़े हैं, परंतु सुनने में यह आया था कि इस तालवन में एक धेनुका नाम का राक्षस रहता है। धेनुका सुन जाए कैसे, सब लोग घबराए। बलराम जी ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बलराम जी कूद पड़े और वहां से वृक्ष के फल निकाल निकाल के ग्वालों को खिलाया। इतने में धेनुकासुर जाग उठा और कहते हैं धेनुकासुर गदा बन करके दाऊ जी पे आक्रमण करने लगा। दाऊ जी ने गदे का पांव पकड़ के घुमा, आकाश मंडल में घुमा डाला और धराधम पर पटक डाला। धेनुकासुर का उद्धार, धेनुकासुर का उद्धार किया और शाम के टाइम पे घर आए। अब कहते हैं जैसे ही भगवान घर पहुंचे, अब भगवान के दिमाग में चल रही एक और बात कि हम आए थे राक्षसों के उद्धार करने के लिए। बकासुर भी मर गया, अघासुर भी मर गया, पूतना भी मर गई, धेनुकासुर मर गया। अब एक फल, जो फल का दुरुपयोग हो रहा था, इनका सदुपयोग होना आज से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब एक मन में कामना और है भगवान की, क्या कि अब जो ये यमुना का जल, ये विशैला नाग यमुना में जो कालिया नाग जल को दूषित कर रहा है, अब जल की शुद्धि कैसे करें। यदि देर मारूं तो वो है कालिया नाग, मेरे भाई हैं शेष नाग, यदि इन्होंने पक्ष ले लिया अपनी बिरादरी का तो बीच में मैं फंस जाऊंगा, अब करूं क्या। भगवान योजना बना रहे दिमाग में और ये मौका भगवान को मिल गया। जैसे ये कह रहे हैं धेनुकासुर जो गदा बन के आया था जिसको मार करके घर पहुंचे, तो कन्हैया घर में आते ही मैया को बोल डाला, मैया आज दाऊ भैया ने जंगल में गदा मार दियो। मैया ने सुनते ही हंसी, क्यों रे बलराम, क्यों रे दाऊ, तेरे से गधे मारा गया, हमने सुना कि इसने ये मार दिया और ये सारे दुष्ट मारे गए और आपसे गधे ही मारा। हंसी उड़ाने लगे, दाऊ जी तो नाराज हो गए, आग कबूल हो गए, बोला कन्हैया तो को मैं देख लूंगा, इतने सारे फल खवाए, मेरे दोस्तों को भी फल खवाया, इतना बड़ो भयानक राक्षस मारा और तू गदा कह करके मैया को बता रहा है। नाराज हो गया, रुड़ गया, कह रहा कन्हैया आपसे तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगा, तेरी मंडली अलग और मेरी मंडली अलग। भगवान किसी के मौके की तलाश में थे, भगवान को मौका मिल गया। अब भगवान ने क्या किया, अपने सखों के साथ में निकल पड़े। सुबह प्रातः होते ही निकल पड़े, कहते हैं कालिया यमुना तट की ओर और वहां पर गेंद खेलने लगे। भागवत को तो पसंद नहीं है लेकिन कालांतर में प्रसंग आता है, गेंद खेलते खेलते भगवान ने जानबूझ करके सुदामा की गेंद को यमुना जी में डाल दिया और कदम वृक्ष में जब सुदामा ने जिद की कि कन्हैया कुछ भी कर ले, कैसे भी कर ले, मुझे तो मेरी गेंद ला के दे दे भैया, मैं कुछ नहीं जानता। ये भागवत में ये प्रसंग नहीं है, ये अन्य पुराणों में है। भागवत में सिर्फ इतना प्रसंग है कि भगवान जल पीने गए और सीधे छलांग मार दी। तो जैसे ही कहते हैं भगवान खेलते खेलते जो है गेंद खेल रहे थे, भगवान ने जान बूझ करके गेंद यमुना किनारे में डाल दी। जब सुदामा ने जिद की तो भगवान कदम के वृक्ष में चढ़ गई और सीधे छलांग मार दी यमुना जी में। मन ने मोहन ने मन मोहन सचिदानंदे तुमरनो मगन मनंदे, मन मोहन सचिदानंदे तुमरनो मगन मनंदे, कनुआनंद बे कनुआनंदे कनुआनंद बे कनुआनंदे कनुआनंद बे कनुआनंदे तुमरनो मगन मनंदे, मन मोहन सचिदानंदे तुमरनो मगन मनंदे, मन मोहन सचिदानंदे Hanuman, 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 H
बाल बाल संग खेते खेते पड़ के कपड़ा बेटा मुंह खेत पड़ी के जमना पेटे सचिता में मारी खेते पड़े के जमना पेटे मारी खेले के बाल बाल संग खेते खेते पड़ के जमना पेटे खेते पड़ी के जमना पेटे सचिता में मारी खेले के मन मोहन सचिदानंद प्रार्थना है, निवेदन भी है, यदि मन आपका नृत्य करने करता हो तो बिल्कुल भी संकोच न करें, बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं और दिल खोल करके बाद में शिकायत भी न करें, दिल खोल करके भगवान के चरणों में भगवान के सामने जो नाचता है कहते हैं उनको अगले जन्म में घर घर में नहीं नाचना पड़ता है। और मन हो तो मन को न मारे। एक विद्यार्थी था, कर गुरु जी एक दिन स्कूल नहीं गया, अगले दिन पूछा, कह रहे गुरुजी का भाई कल क्यों नहीं आया, स्कूल क्यों नहीं आया, कह रहे गुरुजी मेरा मन तो बहुत था आने का लेकिन मैं आ नहीं पाया, गुरुजी आप हाजिर तो भर, मन यही था हाजिर भर दो। गुरुजी ने कहा आप बताओ,
मन या था या मन नहीं, मन के साथ में तन भी चाहिए। मन है नाचने का तो तन के साथ में थिरकना भी शुरू कर दो, हाथ में उठाओ, भार वाले भारी जगह बनाओ। वृंदावन बिहारी लाल की।